हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम दिवाली की बेकार चीज़ों से कुछ क्राफ्ट बनाएंगे। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम 16x27 सेंटीमीटर के हिसाब से सेम साइज़ की 3 कार्डबोर्ड पीसेस रेडी कर लेंगे। अभी हमें लेना है फेविकोल और पानी का एक मिक्सर, जिसकी सहायता से हम टिश्यू पेपर को धीरे धीरे कार्डबोर्ड पर लगाते जाएंगे। सभी कार्डबोर्ड में टिश्यू पेपर्स लग के रेडी हो गया है। अभी हम इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। अभी मैंने लिया है कुछ टीलाइट कैंडल होल्डर्स। पहले हम इसे दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे और इसको एक लीफ का शेप देंगे। लीफ की शेप बनके रेडी हो गया है। अभी किसी भी भारी चीज से इसे हम प्रेस कर लेंगे। लीफ का पैटर्न देने के लिए मैंने यहाँ बॉल पेन का यूज़ किया है। आप लोग किसी भी पॉइंटेड चीज़ का यूज़ कर सकते हो। हमारा पहला डिज़ाइन बनके रेडी हो गया है। सेकेंड डिज़ाइन के लिए मैंने टी लाइट होल्डर के साइड का पोर्शन काट करके सिर्फ बीस वाला पोर्शन ले लिया है। पेपर पे मैंने लीफ का पैटर्न ड्रॉ करके उसे काट करके रख दिया था। अभी उसी को स्टेंसिल की तरह यूज़ करके हम सारी लीव्स कट कर लेंगे। दोस्तों, फिर से हम बॉल पेन की हेल्प से लीफ पर डिज़ाइन बनाएंगे। और देखिए, हमारा दूसरा डिज़ाइन भी बनके लगभग रेडी हो गया है। तीसरे डिज़ाइन के लिए हमें लेना है डिलाइट होल्डर के सिर्फ साइड वाला पार्ट। मैंने इसको चार साइज में कट कर लिया है। अभी इसका एंड का पोर्शन छोड़ के ऊपर से हम इसको पतला पतला कट कर लेंगे। डिलाइट के जो एल्युमिनियम कवर होते हैं ना, उसका ये एल्युमिनियम बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इसको यूज़ करके इजीली हम कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। हमारा तीनों डिज़ाइन बनके रेडी हो गया है। अभी हम कार्डबोर्ड पे कलर करेंगे। यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड के पतले पतले स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं। अभी उसी को हम फ्रेम की तरह यूज़ करेंगे। कार्डबोर्ड के ऊपर थोड़ा पानी लगा लेने से उसका ऊपर का लेयर आसानी से निकल जाता है। यहाँ पे मैंने स्टेम बनाने के लिए मोल्डेड क्ले का यूज़ किया है। आप चाहो तो थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हो। अब हम ग्लू की हेल्प से लीव्स को एक एक करके लगाते जाएंगे। हमें घर सजाने के लिए कोई महंगा सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है। घर पे पड़ी हुई बेकार चीज़ों से ही हम घर को सजा सकते हैं। ऊपर का साइड थोड़ा सा राउंड रहे, इसलिए मैंने इसको लगाने के बाद कट कर दिया है। अभी हम फ्रेम और लीव्स को गोल्डन कलर से कलर कर लेंगे। इसके लिए मैंने फेविक्रिल का मेटलिक गोल्ड कलर का यूज़ किया है। फ्रेंड्स, इतनी कम खर्च में कितनी सुंदर वॉल फ्रेम बनके रेडी हो गई है। आप भी इसे बनाइए और अपने घर को सजाइए। यहाँ पर मैंने दिवाली के जलाए हुए दो दिए का यूज़ किया है। इन दोनों को मैं एमसील की सहायता से आपस में फिक्स कर लूँगी।
अभी जो मैं क्राफ्ट बनाने जा रही हूँ, इसे बनाने का मुझे बहुत दिनों से मन था, इसलिए मैंने इसे रिक्रिएट करने का सोचा। कुछ सुंदर चीज़ें सभी क्राफ्टर्स बनाना चाहते हैं, लेकिन सबकी क्राफ्ट में उसकी भावनाओं की अलग अलग परत दिखने को मिलती है। ऊपर वाले डीए को मुझे भरा हुआ बनाना था, इसलिए यहाँ पर मैंने सिल्वर फॉइल का यूज़ किया है और उसके ऊपर एम सील से उसे फिल कर दिया है। अब मैं एल्युमिनियम फॉइल से शिवलिंग का शेप दे रही हूँ। उसके ऊपर एक लेयर में मोल्डेड क्ले का लगाऊंगी। पहली लेयर लगने के बाद उसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अब इसका दूसरा लेयरिंग आप कर सकते हैं। टेलकम पाउडर यूज करके मोल्डेड क्ले की स्मूथ फिनिशिंग कीजिए। पहले मैं ग्लू से शिवलिंग को डीए पे फिक्स कर लूँगी। उसके बाद मोल्डेड क्ले से इसके साइड के पोर्शन को सील कर दूँगी। यहाँ पर मुझे डीए का फ्रंट साइड थोड़ा लंबा चाहिए था, इसके लिए भी मैंने मोल्डेड क्ले का ही यूज़ किया है। आप चाहो तो वॉल पुट्टी का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी एक जैसा ही काम करेगा। ध्यान रखिएगा कि ये नीचे की तरफ बेंड ना हो। हमें लेना है एक एल्युमिनियम का वायर, उसके ऊपर का हिस्सा एक रिंग जैसा बना लेना है, बाकी के हिस्से को हम आपस में कार्व कर लेंगे। अब हम इसको एस जैसा शेप देंगे और उसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल से लेयरिंग करेंगे। एल्युमिनियम फॉइल की लेयरिंग हो जाने के बाद हम उसके ऊपर मोल्डेड क्ले से फिर एक बार लेयरिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले फेविकॉल लगाना मत भूलिएगा। मटकी बनाने के लिए मोल्डेड को राउंड शेप में ले लीजिए। अब हमें उसकी फ्रंट और ऊपर की तरफ दो होल कर लेना है और धीरे धीरे मटकी का शेप देना है। 5 मिनट तक ड्राई होने के बाद मटकी को फिर से अच्छे से शेप देंगे। यहाँ पर मैं कुकी कटर से कुछ लीफ और फ्लावर्स के डिज़ाइन कट कर ले रही हूँ। यहाँ पर मैं एक क्ले रोप लगा दे रही हूँ। अब हम ग्लू से उसे यहाँ पर फिक्स कर देंगे। कट करके रखा हुआ लीव्स और फ्लावर्स को जरूरत के हिसाब से हम लगाते जाएंगे। अब मैंने इसके ऊपर ब्लैक कलर से कलर कर लिया है। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है फैब्रिक्रिल का मेटलिक ब्रोंज। जब अगरबत्ती की पीछे से धुआं निकलने लगे तब हम उसे मटकी के ऊपर रख देंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आने वाले वक्त में मेरे चैनल पर आपको क्या देखना पसंद है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका इतना कीमती समय मुझे देने के लिए दिल से शुक्रिया दोस्तों। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।